20 तारीख को चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? तो बात करते हैं, 20 तारीख का वोट है, आप लोग महिलाएं कितना खुश से हेमंत सोरेन से, बताइए। अच्छा बताइए, आप लोग को मैया योजना चलाई गई है, कितना फायदा हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, बाबा से दुआ करते हैं हम यही कि हर समय हमारे सुरेश पासवान पूर्व मंत्री मंत्री के रूप में हम लोग हर समय इनको देखें। नमस्कार, झारखंड विधानसभा चुनाव का तारीख बता दी गई है, जहां पर मौजूद है ये है देवघर विधानसभा संख्या 15 और यहाँ पर 20 नवम्बर को चुनाव है और 23 नवम्बर को काउंटिंग है। आज यहाँ पर यहाँ के प्रत्याशी हैं सुरेश पासवान जी के पक्ष में देश का ऊर्जावान नेता तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं, दर्शा दिखाएंगे, और इन महिलाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने जो जो स्कीमें लाई है, जो जो काम किए हैं, उस काम से ये महिलाएं कितनी खुश है, और आने वाले विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को किस मुद्दा पर वोट करेंगे, उनसे हम इन सबसे बातें करते हैं और जानते हैं, चर्चा करते हैं। चाची जी सबसे पहले मेरे साथ हैं। चाची जी कहाँ से आई है? देवघर से। देवघर से 20 तारीख को चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? हम लोग वोट देने जा रहे हैं, हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार है और हम लोग वोट दे रहे हैं अपना सुरेश पासवान का, हम लोग वोट दे रहे हैं आरजेडी के, लालटेन छाप पर हम लोग वोट देंगे। और हम लोग का सरकार जो है से हम लोग को पैसा दिया है, 1000 करके दिया है, अब रिकोला 2500 करके बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग सब वोट देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपना पार्टी को वोट देने के लिए जा रहे हैं, लालटेन छाप। क्या बात है, पूरी तरह से बन के तैयार है, आगमन है, चुनाव का जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए, एक बार करोड़ देख लीजिए, गाड़ी की संख्या देख लीजिए, इसी ग्राउंड में तेजस्वी यादव 2 बजे आने वाले हैं, उनके साथ साथ यादव आज मंच को और अभी से ही पैसा लगा गाड़ी को देखिए देने वाला है 25 तारीख। अच्छा, जो 1000 जो है वो धीरे धीरे बढ़ के वो 2500 होने वाली है, और भी है। चाची क्या नाम है? मेनकी देवी। कहाँ से आते हैं? करनी बात से। आपका प्रत्याशी सुरेश पासवान जी का चर्चा आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है? जैसा कि आपको मालूम, कैसा चर्चा है इनके बारे में? अभी अभी कुछ ही शर्मा देना है। अच्छा, लालटेन छाप इसी देवघर कॉलेज मैदान से। हाँ, 20 तारीख। अच्छा, तो बात करते हैं, 20 तारीख का वोट है, आप लोग महिलाएं कितना खुश से हेमंत सोरेन से, बताइए। सारा आदमी खुश है, पूरा वोट डाल देना है। अच्छा, बात करते हैं, और भी है, मुस्कुरा रही है, कितना क्या नाम है? बिहार में प्रतिपक्ष के नेता, यही देवघर कॉलेज से। आज यहाँ पर तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, नाम सुने हैं, कितना उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, कितना फायदा होगा? अच्छा, आप लोग का प्रत्याशी कौन है? आप लोग का प्रत्याशी कौन है, कौन चुनाव? अगर अपना नाम लिखवाते सुरेश पासवान जी। अच्छा बताइए, आप लोग को मैया योजना चलाई गई है, कितना फायदा हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, एक ही बार आया है। सुनते हैं, बढ़ने वाला भी है। अच्छा, 1000 टका भी महीना आता है तो कुछ तो फायदा हो रहा है? आया नहीं है, एक ही आया है। आया है ना, तो आया है, क्या लगते हैं वो आते रहेगा कि रुक? हेलो, आगे जो होगा लिखे सब करेगा। अच्छा, जो योजना है, इस योजना से महिलाएं काफी खुश हैं, और भी महिलाएं हैं, बात करते हैं। चाची कहाँ से आई हैं? हम देव रंगा मोड़ से आए हुए हैं। अच्छा, हम पूर्व महिला अध्यक्ष भी हैं, बहुत पुरानी हैं, और इस बार महागठबंधन का सरकार जो है बहुत अच्छा दिखने में आ रहा है, और सब महिला भी खुश है, और हमारे प्रत्याशी श्री सुरेश पासवान जी इस बार तो भारी मतों से जीत इनका सुनिश्चित है, और हम लोग घर घर जाके सब महिलाओं को समझाने का काम करते हैं। मैया सम्मान योजना जो दिया हुआ है, हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, और सुनने में आ रहा है 1500 और बढ़ा दिया गया है, 2500 इससे महिला और खुश है। अब देखिए, आने वाला समय तो बता ही देगा, जब अभी तो शुरुआत हुआ है तो इतना अच्छा हो रहा है, और फिर आने वाला समय भी अच्छा ही रहेगा,
और अच्छा आज तेजस्वी यादव जी यहाँ पर आने वाले हैं, उनके आने से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। जब वो मैंने है श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का तेजस्वी यादव बेटा उनका हुआ आने से, लालू जब यादव जब आते थे इतना खुशी का माहौल होता था, आया तो उनका पुत्र आ रहा है तो और खुशी की बात है, और अब भीड़ तो अभी जमा ही हो रहा है। अच्छा आप लालू यादव से जुड़े हुए हैं? जी। कितना साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं? 25 साल लगभग हो गया। 25 साल से लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं इन पूरे 25 साल में बहुत उतार चढ़ाव आया पार्टी, कभी क्या कहते हैं घाटे में गई, कभी फायदा हुआ है। एक महिला होने के नाते देवघर की महिलाओं के बीच में तेजस्वी यादव की बात करते हैं चाहे सुरेश पासवान की बात करते हैं, महिलाओं के बीच में क्या चर्चा होती है? महिलाओं के बीच में चर्चा ये अच्छा नेता है, हर सबका काम सुनते हैं, जब बुलाते हैं तो आते हैं, छोटा छोटा काम में भी आते हैं, छोटी सी बड़ी बात, बड़ी से छोटी बात सब सुनते भी हैं ये। हाँ यही खुशी है, और क्या खुशी रहेगा, जो ये सब हर घड़ी खड़ा रहते हैं, इससे और अच्छा क्या हो सकता है, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी कोई महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, हर वक्त में खड़ा रहते हैं नेताजी। चाची क्या नाम रहता है? मेरा नाम नीरा देवी है। नीरा देवी जी कहाँ से आई हैं? हम कुरियासा से आए हैं, 10 नंबर वार्ड मेरा घर है, और हम इस पार्टी से जुड़े हम 25 साल से हैं। दो बार विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री रह चुके हैं, दो बार से हर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय सुरेश पासवान पूर्व मंत्री इस बार मंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उनको भारी मतों से उनको जिताएंगे, हर हाल में घर घर जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, सब माता बहनों को समझाएंगे। और हेमंत जी जो किया ये मैया योजना लागू, इसमें 1000 रुपया अभी दे रहे हैं तो 12,000 साल हुआ, और सुनने में आया है कि अगर जीतेंगे इस बार तो फिर हम लोग को बढ़ाया जाएगा कि 2,500 रुपया महीना हो जाएंगे, तो हम लोग गदगद से इनको जिताएंगे, सोचेंगे कि हर समय जीते हुए रहे। बाबा से दुआ करते हैं हम यही कि हर समय हमारे सुरेश पासवान पूर्व मंत्री मंत्री के रूप में हम लोग हर समय इनको देखें। क्या बात है, पूरा खुश है यहाँ की जो देवघर की जो महिलाएं हैं, तमाम तरह की जितना भी महिलाएं हैं पूरा खुश है। और यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे मंच सजने लगा है, मंच के ठीक सामने जितने भी आम जनता आए हैं अपना जगह पक्की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भीड़ होने वाला है वो जबरदस्त भीड़ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ झारखंड बिहार का ही नहीं बल्कि पूरा देश का एक युवा धड़कन है। जब तेजस्वी यादव जी बोलते हैं तो यहाँ की जो जनता सुनते रहती है। कुछ और महिलाएं हैं, बातें करना और बाकी है। चाची क्या नाम है, कहाँ से आई है? कितना माहौल है, 20 तारीख को चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा ये योजना का फायदा मिल रहा है आपके क्षेत्र में? सम्मान करना हम सबों का परम। महिलाओं के बीच में क्या चर्चा है इस बार वोट को लेकर के? पार्टी की ओर से जो नामित देवघर में बात करते हैं, महिलाएं आप लोग सुरक्षित हैं? डर उर का माहौल किधर है? क्या है? बहुत अच्छी माहौल है। चलिए बात करते हैं, कुल मिलाकर के पूरे महिलाएं खुश है। आपसे कुछ क्षण के बाद यहाँ पर सारा कार्यक्रम होगा, हर चीज आपको हम दिखाएंगे, आप देखते रहिए। मैं हूं अनिल यादव, मेरे कैमरे के पीछे छोटू यादव जी का आभार अभिनंदन करते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जोहार झारखंड।